हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में। दोस्तों, अब सभी सदस्यों का बनेगा आयुष्मान कार्ड, नया नियम जारी। दोस्तों, जाने क्या है नया नियम, बता दूं दोस्तों, जिन लाभार्थी के परिवार के राशन कार्ड में 5 या 5 से अधिक सदस्य होंगे, उन्हीं का बनेगा आयुष्मान कार्ड। दोस्तों बता दूं, जिन सदस्यों का लाल राशन कार्ड है या श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराया है, उनका भी बनेगा आयुष्मान कार्ड। दोस्तों, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा, कहां से बनेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। दोस्तों, आयुष्मान कार्ड को आप फोन से, लैपटॉप, डेस्कटॉप, किसी भी प्रकार से आप दोस्तों बना सकते हैं। फ़ोन से बनाने के लिए आपको प्ले स्टोर में आयुष्मान एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, उसके बाद आप बना सकते हैं। बनाने की प्रक्रिया समान है, किसी भी प्रकार से आप आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप से बनाने के लिए। और गूगल पर सर्च करना होगा आपको beneficiary.nha.gov.in की वेबसाइट पर आपको जा करके आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं। आयुष्मान कार्ड कैसे बनाना होगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए दोस्तों, आपके पास जो भी ब्राउजर अवेलेबल है उसे ओपन कर लेंगे। यदि आप अपने फ़ोन से आप आयुष्मान कार्ड को बना रहे हैं तो आप आयुष्मान एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों, आप मैं आगे की प्रोसेस आपको बताऊंगा। दोस्तों, यदि आप लैपटॉप डेस्कटॉप से आप आयुष्मान कार्ड को बना रहे हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको सर्च टैब में लिखना होगा beneficiary.nha.in। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने जो आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जो पोर्टल जारी किया गया है वो आपके सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान। दोस्तों, आयुष्मान कार्ड के जो फायदे हैं मैं आपको बता दूं कि इससे आप 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दोस्तों आप करा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आयुष्मान कार्ड आप कैसे बनवा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको लॉगिन, सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन दोस्तों यहाँ पर आप 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक बेनिफिशियरी लॉगिन, एक ऑपरेटर लॉगिन। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, सर ऑपरेटर आईडी कैसे बनेगा, क्या कैसे होगा। तो दोस्तों, आपको ऑपरेटर आईडी बनाने की ज़रूरत ही क्या है, आपको ऑपरेटर आईडी आप नहीं भी बनाएंगे तब भी आप आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं। ऑपरेटर आईडी वही लोग के पास होती है जिनके पास सीएससी आईडी वगैरह ये सब होते हैं, वही लोग ऑपरेटर आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऑपरेटर आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर आप बेनिफिशियरी के ऑप्शन पर क्लिक करके उसके बाद दोस्तों मैं आपको आगे का जो भी प्रोसेस है आपको बताऊँगा कि आप कैसे आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं। तो आयुष्मान कार्ड को बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको लॉगिन एज के ऑप्शन पर आना होगा, यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बेनिफिशियरी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ना कि ऑपरेटर पर। तो बेनिफिशियरी के ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको फिल करना होगा। दोस्तों, मोबाइल नंबर को जैसे ही आप यहाँ पर फिल करेंगे आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएगा वेरीफाई का। तो दोस्तों यहाँ पर आप वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों यहां पर आप वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहां पर आपको टिक का मार्क मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा OTP हैज बीन सेंट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP गया है, उस OTP को दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल करना होगा। OTP को फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो कैप्चा शो कर रहा है इस कैप्चे को यहाँ पर फिल कर लेंगे। कैप्चे को दोस्तों यहां पर आप जैसे ही फिल करते हैं यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का। दोस्तों यहां पर आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो पेज है यहां पर ओपन हो जाएगा। यहां पर लिखा है
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप जिस भी स्टेट से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं आप अपने स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अगला स्टेप मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर अगला स्टेप है स्कीम। तो स्कीम में दोस्तों यहाँ पर आपका कौन सा कार्ड बनवाना है आपको, जैसे कि यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दो प्रकार के कार्ड मिल जाएंगे, जैसे दीनदयाल उपाध्याय या पीएमजे। यदि आप दीनदयाल उपाध्याय कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, यदि आप पीएमजे यानी कि आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इस पर पीएमजे पर क्लिक रहने देंगे। स्कीम को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आयुष्मान कार्ड को बना रहे हैं। उसके बाद दोस्तों सर्च बाई में आपको आना है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएंगे। सर्च से दोस्तों यहाँ पर आप आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं। फैमिली आईडी का मतलब होता है राशन कार्ड। दोस्तों यदि आपके पास राशन कार्ड नंबर है दोस्तों आप फैमिली आईडी पर क्लिक करके जो भी आपकी फैमिली आईडी है यानी राशन कार्ड नंबर है उस नंबर को आपको फिल करना होगा। उसके बाद सर्च पर क्लिक करके दोस्तों आप लिस्ट में जो भी नाम है आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों उस सेकेंड ऑप्शन है आधार नंबर। दोस्तों यदि आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर पर क्लिक करके आधार नंबर के जो भी डिटेल्स हैं फिल करके सर्च पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके परिवार में कितने सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है या कितने सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बन सकता है। नेम के जरिए और रूरल अर्बन दोस्तों यहाँ पर इसके जरिए दोस्तों आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको आधार नंबर के जरिए आपको चेक करके यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे ही आप आधार नंबर यहाँ पर सर्च बाई में आधार नंबर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको आधार नंबर जो भी आपका आधार नंबर होगा यहाँ पर आपको फिल करना होगा। आधार नंबर को फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो पेज है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके टोटल फैमिली में कितने सदस्यों का आयुष्मान कार्ड में नाम है, कितने सदस्यों का मतलब लिस्ट में नाम है, कितने सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बन सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा टोटल 5 सदस्य हैं, उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, रिलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप EKYC स्टेटस में चेक कर सकते हैं कि किनका आयुष्मान कार्ड बन चुका है किनका नहीं बना है। तो यहाँ पर 3 सदस्य का बन चुका है, 2 सदस्य का नहीं बना हुआ है। यहाँ पर कार्ड स्टेटस में चेक कर सकते हैं कि कार्ड जो है अप्रूव हो चुका है यानी पेंडिंग है या अप्रूव हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 3 सदस्य का बना हुआ था इनका अप्रूव हो चुका है बट 2 सदस्य का नहीं बना हुआ है, तो अभी इनका नॉट जनरेटेड यहाँ पर शो कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर जिनका बन चुका है यहाँ पर आप जैसे ही इस पर आएंगे यहाँ पर आपको डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। जैसे ही आप डाउनलोड कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ जैसे कि जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ लिस्ट में नाम है यहाँ पर बनवाना चाहता है तो यहाँ पर दोस्तों आपको उसके सामने यहाँ पर जैसे ही मान लीजिए जिसका नाम से यहाँ पर आप बनाना चाहते हैं यहाँ पर उसके सामने यहाँ पर EKYC के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप EKYC के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अथेंटिकेट योर सेल्फ यूजिंग आधार नंबर। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो भी आपकी डिटेल्स है यहाँ पर आप इसको वेरीफाई करना होगा। जैसे आप वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये कॉन्सेंट जो भी यहाँ पर मैसेज है आपको यहाँ पर इसको रीड कर लेना है। उसके बाद एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करके अलाउ कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP को सेंड किया गया है तो आप उस OTP को दोस्तों आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर OTP है हमारी आ चुकी है तो हम उस OTP को फिल कर लेते हैं। OTP को जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप फिल करते हैं आपके सामने जो आपका जो पेज है यहाँ पर अथेंटिकेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अथेंटिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप अथेंटिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जैसा कि EKYC करना है तो यहाँ पर आधार OTP या फिंगरप्रिंट आयरिस 3 प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर EKYC कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आधार OTP के माध्यम से यहाँ पर EKYC करने वाला हूँ। जैसे ही आधार OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जिस कैंडिडेट का आप आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं इस पर यहाँ पर आपके सामने डिटेल्स आ जाएगा। इसको दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने पुनः एक
मैसेज आएगा, इसको रीड कर लेना है। उसके रीड बाद करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ओटीपी, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया है। उस ओटीपी को दोस्तों यहाँ पर आपको फिल करना होगा। चलिए दोस्तों हम ओटीपी को फिल कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों आप ओटीपी को फिल करते हैं, यहाँ पर ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट की जो भी फोटो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपको कैप्चर फोटो का एक ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आप कैप्चर फोटो के, जैसे आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी जो इमेज है यहाँ पर अपलोड होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कैप्चर फोटो करना होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 90.98 मैच, दोस्तों यहाँ पर 90% आपका मैच हो गया। जैसे यहाँ पर आप फोटो को अपलोड करते हैं, यहाँ पर आपका 100% मैच हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दोस्तों यहाँ पर आपका, आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है, यदि मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करके मोबाइल नंबर को फिल करके वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को दोस्तों फिल करके यहाँ पर प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो यहाँ पर नो कर देंगे। नो करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर नहीं देना होगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, यहाँ पर आप ईयर का उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन आपको मिल जाएगा रिलेशन में, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये ऑटो फिल रहेगा। उसके बाद दोस्तों जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा, उस पिन कोड को दोस्तों यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। पिन कोड को जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पर आप फिल करते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जैसे दोस्तों आप पिन कोड को फिल करते हैं, यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है ऑटो फिल रहेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑटो फिल रहेगा, यहाँ पर रूरल अर्बन जिस भी शहर से हैं, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल रहेगा, यदि आप यहाँ पर शहरी क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर अर्बन कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका सब डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका ब्लॉक होगा यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर विलेज का, जिस भी विलेज से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं आप अपने विलेज को सिलेक्ट कर लेंगे। और विलेज को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएगा सबमिट का। दोस्तों यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका जो इस केवाईसी है, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जो आपने ये केवाईसी किया वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।